पिछले वीडियो में मैंने आपको द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित कविता इतनी ऊंचे उठो को पढ़ाया, उसका भावार्थ समझाया और आज के वीडियो में हम अलंकार पढ़ेंगे। तो बच्चों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, समझना। तो अलंकारों को पढ़ने से पहले आइए हम जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार कोई स्त्री आभूषण को धारण करके अत्यधिक सुंदर दिखने लगती है, उसी प्रकार कविता कामिनी अर्थात कविता रूपी स्त्री जब अलंकार को धारण करती है तो और भी अच्छी यानी रसात्मकता आ जाती है, बहुत ही मधुर हो जाती है, कविता में जान आ जाती है। तो बच्चों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब देखिए अलंकार काव्य की दो तरह से शोभा बढ़ाता है, दो प्रकार से काव्य की शोभा बढ़ाता है अलंकार। एक तो शब्दों के द्वारा और एक अर्थ के माध्यम से। तो अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आइए इनको अच्छे से जानते हैं। अब देखिए शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्दालंकार होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर शब्दालंकार का प्रयोग होता है। और अर्थालंकार किसे कहते हैं? जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। यानी काव्य की शोभा यदि अर्थ के माध्यम से बढ़ती है तो क्या होता है? जब अर्थ अधिक प्रभावशाली होता है, अर्थ चमत्कारिक होता है कविता में, तो वहां पर अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर शब्दों का चमत्कार होता है, शब्दों से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्दालंकार होता है। आइए इनके भेद जानते हैं, कौन कौन से शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं और कौन कौन से अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार के प्रकार दिए हुए हैं। शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं बच्चों? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, पुनरुक्त अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्त अलंकार, संदेह अलंकार। तो हम इन सभी अलंकारों में से जो मुख्य अलंकार है आज उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चों अलंकारों के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। इसकी क्या पहचान है बच्चों? जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति का मतलब होता है कोई वर्ण बार बार आए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण दिया है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए। अब बच्चों देखिए यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी कोई एक वर्ण बार बार आया है, इसीलिए इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। तरणी में भी ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता और तरुवर में भी ता। तो ता शब्द की बार बार यानी ता वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, इसीलिए यहाँ पर बार बार आवृत्ति हुई है ता वर्ण की, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आइए अगले अलंकार के विषय में जानते हैं। अगला अलंकार है यमक अलंकार। अब इसकी क्या पहचान है बच्चों?
जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो, यानी एक शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार आए, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। यानी चाहे दो बार आए चाहे दो से अधिक बार हो, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाए, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। एक दोहा भी है बच्चों कि वह शब्द फिर फिर पढ़े अर्थ और ही और, वही शब्द फिर पढ़े अर्थ और ही और, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे अब आइए देखिए उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करते हैं, समझाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब यहाँ पर देखिए कनक शब्द है, कनक कनक दो बार आया है, कनक कनक। एक कनक का अर्थ यहाँ पर है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो देखिए या खाए बौराए जग, अब ये धतूरा अगर खा लेता है कोई व्यक्ति तो वो बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। या पाए बौराए, और जिसको सोना मिल जाता है वो बौर आ जाता है, यानी बहुत ज्यादा पागल घमंडी हो जाता है, घमंड आ जाता है और खुशी से पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कनक कनक का क्या अर्थ है, एक कनक का मतलब है धतूरा और एक कनक का मतलब है सोना। अब दोष एक ही शब्द दो बार आया लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न है, तो कौन सा अलंकार हुआ यहाँ पर, यमक अलंकार। अब आइए अगले अलंकार के विषय में जानते हैं। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की क्या पहचान है बच्चों, आइए जानते हैं। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो, यानी कोई शब्द एक ही बार प्रयोग किया जाए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी बहुत सारे अर्थ निकाल लिए जाए, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु ओर, सुविरन को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर देखिए सुविरन, सुविरन है, सुविरन को खोजत फिरे, तो यहाँ पर सुविरन शब्द एक है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग निकाला गया है। यहाँ सुमिरन शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हैं। यहाँ पर सुमिरन शब्द के तीन अर्थ हैं, कौन कौन से, कवि के लिए सुवर्ण यानी सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुमिरन शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुविरन शब्द का अर्थ है सोना। यहाँ श्लेष अलंकार है, देखिए एक शब्द है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है परंतु उसका अर्थ अलग अलग होता है, यानी बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों इसको अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अब आइए अगले अलंकार को देखते हैं। अगला अलंकार कौन सा है, अगला अलंकार है उपमा अलंकार। अब देखिए उपमा अलंकार की क्या पहचान है, जहां दो वस्तुएं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे कहने का मतलब कोई बहुत सुंदर है और चांद भी सुंदर माना जाता है, समझ में आया, और चांद भी सुंदर है और कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो कहते हैं इनका चेहरा चांद की तरह सुंदर है, यानी दोनों में समानता की गई है, वह भी सुंदर है चांद भी सुंदर है, तो समान गुण और धर्म के आधार पर जहाँ पर तुलना की जाती है वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे यहाँ पर दिया है पीपल पात सरिसमन डोला, पीपल पात माने पीपल के पात माने पत्ते के समान, मन डोला, यहाँ पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है। किसकी समानता की गई है, पीपल का पत्ता हवा में थोड़ी सी भी हवा पाकर तुरंत ही बहुत तेजी से हिलने लगता है, ऐसे मन भी बहुत चंचल होता है, तो दोनों की समानता की गई है।
कि दोनों एक जैसे ही डोलते हैं, अर्थात मन में चंचलता की समानता और पीपल के पत्ते के डोलने की से की गई है। जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग चीजें हैं, अतः यहाँ उपमा अलंकार है, लेकिन समान है, क्रिया तो समान कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर पीपल मन की तुलना किससे की गई, पीपल के पत्ते से, कि उसमें भी चंचलता है और मन में भी, इसीलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब आइए अगले अलंकार को देखते हैं। अगला अलंकार कौन सा है बच्चों? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की क्या पहचान है, आइए जानते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का अविध रूप से आरोप हो, आरोप किया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए, जहाँ अभेद आरोप हो, कहने का मतलब कोई भेद ही ना हो, दोनों समान हो, दोनों किसी तरह का भेद ही नहीं है, दोनों एक ही है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, मैंने सूरदास जी के दोहे पढ़ाए थे आपको, ये पद भी पढ़ाए हैं। तो चरण कमल बंदो हरि राई, यानी चरणों की वंदना, तुलना किससे की गई है, कमल से, यानी उपमा नहीं दी गई है कि कमल, कमल रूपी चरण, यानी कमल को, यानी चरणों को ही कमल मान लिया है, कोई भेद नहीं है, चरण में इतने कोमल है कि चरण और कमल एक ही जैसे हैं, बिल्कुल कोई उपमा नहीं, बल्कि इतने मुलायम है, कमल ही है, चरण कैसे है, कमल ही है। यहाँ भगवान के चरण अर्थात पैरों को अभेद रूप से, अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है। क्या कहा गया है, भगवान के चरणों को कमल कहा गया है। अतः यहाँ पर कोई भेद ना होने के कारण, अभेद रूपी उपमा होने के कारण, कहने का मतलब दोनों में क्या है, अभेद है, कोई भेद ही नहीं है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब देखिए यहाँ पर कुछ समझने वाली बात है। जैसे उपमेय होता है, उपमेय किसे कहते हैं बच्चों, जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, यानी जिसकी तुलना की गई है। अब जैसे हमने कहा तुम्हारा मुख चांद के समान है, तो तुम्हारी तुलना की गई, तो तुम कौन हो, उपमेय। और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए वह उपमान है, यानी चांद से तुलना की गई है तुम्हारी, तो चांद क्या है, उपमान। समान धर्म क्या है, जिस चीज की तुलना की जाए वो समान धर्म होता है। कहने का मतलब सुंदर चांद भी है और सुंदर आप भी हो, तो ये समान धर्म है कि आप भी समान रूप से सुंदर हो और चांद भी सुंदर है, तो सुंदरता क्या है, समान धर्म है। और वाचक शब्द क्या है, जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाए उसे वाचक कहते हैं। समझ में आया, जैसे पत्ते के समान चंचल है, तो चंचलता क्या है कि पीपल के पत्ते के समान मन चंचल है, तो चंचल क्या है, वाचक शब्द है। अब आइए अगला देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला अलंकार कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब आइए इसकी पहचान क्या है जानते हैं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जहाँ उपमेय में, अब उपमेय और उपमान तो हमने आपको समझा दिया कि क्या उपमेय होता है क्या उपमान होता है, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी तुलना नहीं की जाए, जहाँ तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। और जहाँ अभेद होता है, कहने का मतलब दोनों में कोई भेद नहीं होता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है, तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि यहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन को क्रोध आया तो क्रोध से उसका शरीर कांपने लगा। कैसे कांपने लगा, ऐसा माना जा सकता है कि हवा की ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसा संभव नहीं है,
लेकिन फिर भी कभी ने अर्जुन के क्रोध से सागर में उठने की संभावना, यानी सागर में उठने वाली लहरों की संभावना प्रकट की है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए कहने का मतलब उपमान क्या है, उपमान सागर है। यहाँ पर उपमान क्या है बच्चों, सागर। और उपमेय क्या है, अर्जुन का अर्जुन, यानी अर्जुन के हृदय में ऐसा क्रोध जागा जैसे सागर में भयंकर लहरें उठने लगती हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर उपमेय में संभावना की गई है उपमान की, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है बच्चों, कि यहाँ जिस यानी पद्यांश में या जिन पंक्तियों में मानो मनु मनो जानो जनु जनो इत्यादि शब्द होते हैं, तो वहां पर उन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, तो इस तरह से इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। अब आइए अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है मानवीयकरण अलंकार। हम मानवीयकरण अलंकार कौन सा होता है, जहां बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। जैसे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कभी लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, कवियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब जैसे कालिदास ने शाकुंतलम में लिखा है कि जब शकुंतला जी की विदाई हो रही थी तो पेण जो थे वो आंसू बहा रहे थे, पीले पत्ते गिराकर आंसू बहा रहे थे, सारे गहने पैरों में लगाने वाला रंग और वस्त्र सभी पेड़ों ने दिए, पेड़ भी इतने दुखी थे शकुंतला की जाने पर। तो इस तरह से उन्होंने मानवीकरण किया, यानी अचेतन में चेतना, कहने का मतलब एक सारी मानवीय चेष्टाएं करना। जैसे मनुष्य एक सारी क्रियाएं करता है, ऐसे प्रकृति से सारी क्रियाएं कराना जब कभी करवाता है तो वहां पर मानवीय अलंकार होता है, मानवीकरण होता है। जैसे आए बसंत महंत, तो यहाँ पर महंत अर्थात साधु जी एक जीवधारी हैं, जो कि एक जीवधारी हैं। साधु कैसे होते हैं, महंत हैं साधु जी, एक जीवधारी हैं। आपने देखा होगा साधु बाबा को, जो कि की तुलना बसंत जी से की गई है, यानी बसंत कैसा है, बसंत ऋतु है जो कि बेजान है, लेकिन उनकी तुलना किससे की गई है, साधु जी से, महंत से तो की गई है। यह मानवीकरण है। कहने का मतलब पेड़ों से कोई काम करवाना, नदी से कोई कार्य करवाना, जैसे बीती बिभावरी जागरी, अब ना ऐसे जैसे कभी रात को उन्होंने एक स्त्री के रूप में प्रस्तुत कर दिया कभी ने, कभी दिन के लिए उषा को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत कर दिया, किसी ऋतु को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत कर दिया, मौसम को या पेड़ को, नदी को, हवाओं को, जैसे कि राधा जी ने पवन को अपनी दूतिका बनाया और यक्ष ने मेघ को अपना दूत बनाकर बनाया। तो इस तरह से जब कभी किसी बेजान वस्तुओं का चित्रण एक मनुष्य के रूप में, मानव के रूप में करता है, जीवधारी की तरह करता है, तो वहां पर मानवीयकरण अलंकार होता है। अब आइए अगला अलंकार देखते हैं। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की क्या पहचान है, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय ना हो पाए, यानी कोई वस्तु निश्चित ना हो पाए, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। अब इसका देखिए उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जब उनका चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ये प्रसंग उस समय का है, ये उदाहरण उस समय का है, कि साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, कि साड़ी ही में नारी है कि नारी में ही साड़ी है,
क्या कहा कि जब उनका चीर खींच रहे थे, दुशासन द्रौपदी जी का चीर खींच रहे थे और साड़ी खींच रहे थे और कृष्ण भगवान जी ऊपर से उनके लिए साड़ी दे रहे थे, बीच में गोल गोल घूम रही थी द्रौपदी जी, तो चारों तरफ साड़ी ही साड़ी दिखाई दे रही थी। ये पता ही नहीं चल रहा था कि साड़ी के अंदर नारी है कि नारी में साड़ी है। यहाँ पर साड़ी और नारी में इतना संदेह उत्पन्न हो गया कि नारी और साड़ी का वर्णन करना बहुत कठिन हो गया, अतः यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो बच्चों ये तो अलंकार हो गए, मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को बार बार देखना, अगर कोई समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे फोन करके अवश्य पूछना, ठीक है बच्चों। अब आइए देखते हैं आज की एक्टिविटी में आपके लिए क्या है। आज की एक्टिविटी में है अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। अब आइए देखते हैं आज के क्लास वर्क में आपके लिए क्या है। क्लास वर्क में है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, नाम लिखो। अब आइए देखते हैं आज के होमवर्क में आपके लिए क्या है बच्चों। आज के होमवर्क में है जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसको ध्यान से देखो, समझो, पढ़ो, लिखो और याद करो। कोई समस्या हो मुझे फोन करो, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।